दिव्या के लिए चीयर्स करो। ये सिचुएशन तब है जब मैंने एक प्राइज जीता था, उसमें बहुत सारे फिल्म एक्टर्स के साथ मुझे बॉम्बे टू गोवा का ट्रिप मिला था। तो पूरा जो एक्ट हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस बस में एक बंदा ऐसा था जो सीटी में जाके सबको एंटरटेन कर रहा था। अब देखिए वो कैसे एंटरटेन कर रहा उनको। वो गाना सुना रहा है गरीब का, चोरी चोरी जब नजरें मिली। तभी मुझे अचानक उस बस में एक बम दिखा जो उस बंदे के नीचे था। तो मैं पूछा अरे ये क्या हुआ, तो उसने क्या बोला, तब आते हमारे सभी पानी, वो क्या बोलते हैं, वो तुरंत बंदूक निकालते हैं, कहते हैं पापा पापा ये बम मुझे इरिटेट कर रहा है, पापा पापा इस बम को गोली मार दो पापा। तभी आते हैं धर्मपा जी, वो बोलते सनी बेटा तुम नहीं जानते जब से मैंने फिल्म छोड़ी है मेरे पीछे बम ही बम लगे हुए हैं। मैं डोलता हूँ तो लोग कहते हैं देखो बम आया। हेमा तुम तो बम से भी तेज हो हेमा, जिसने भी इस बस में बम रखा है मैं उस कुत्ते का खून पी जाऊंगा। तभी आते हैं अनिल कपूर, अरे ये तो बम है, क्या बोला एकदम झकास। अब आते हमारे अमित जी, वो कहते हैं यहाँ पे तब कबाक क्यों रहा है, ये तो एक चॉकलेट बम है जो लोग हमारे बच्चे दिवाली में हर साल फोड़ा करते हैं। तभी आते हैं ओम प्रकाश जी, वो कहते हैं अरे अमित तुम तो इतने लंबे हो कि तुम्हें टाइम बम भी चॉकलेट बम दिख रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप हमको हाथ दे दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी आते हमारे अर्जुन रामपाल साहब, वो ये कैसे बोलते हैं चौधरी साहब आप ये बम यहाँ क्यों रखा, चौधरी साहब मैं चाहता हूँ ये बम आप मुझे दे चौधरी साहब, जो बिटिया मेरी अमानत है चौधरी साहब। और लास्ट में आते हैं हमारे शाहरुख खान, वो कैसे बोलते हैं, वो देवदास करोल बनते हैं, जैसे बम देखते हैं वो देवदास करोल में आ जाते हैं। वो कहते हैं जानते हैं आप लोग, जानते हैं आप यहाँ मैं क्यों हूँ, जब से बम यहाँ रखा है तब से मैं यहाँ बैठा हूँ, जानते हैं क्यों, क्योंकि मुझे इस बम से प्यार हो गया है, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा, जब भी पारो किया ना वो मैं आऊंगा, जब भी मैं खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। थैंक यू। That was the philosophy of Bollywood, I guess.